यूपी के अयोध्या जिले में बीजेपी के सभी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, जिसमें नामांकन के लिए पूर्व में ही जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी उषा सिंह के नामांकन जुलूस की अगुवाई की गई, जिसमें कार्यकर्ता ने बताया कि पंचायत सदस्यों को समर्थन है और निश्चित ही चुनाव जीतने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि जनता की चाह है कि चुनाव लड़े और जीते भी। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद यहां जो दलाली होती है, जनता की चाह है कि दलाली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि आज तक उन्होंने जनता के दुख सुख में कोई साथ नहीं दिया, जनता के बीच में उनसे बातचीत भी नहीं की। उन्होंने बताया कि जनता के लिए कुछ करने की इच्छा है। इस मौके पर रुदौली से शिल्पी सिंह, मवई से राजीव तिवारी और मसौदा से अभिषेक सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी उषा सिंह के नामांकन पर जुलूस की अगुवाई महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने की। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन है और निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे। ये जनता की चाह है कि हम चुनाव लड़ें, निर्दल लड़ें। चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ पे अभी तक मक्कारी दलाली होती थी, जनता की यही चाहत है कि 20 साल से जो होता जा रहा है उसको मैं दूर करूं, वही उनकी चाहत है। वो आईएएस अधिकारी आज तक इस क्षेत्र में किसी के दुख सुख में या किसी को नौकरी जाकरी किसी को दिया, जनता के बीच में आज तक पहुँचे, जनता की चाह है मेरे लिए। मेरे बाबा 4 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, मैं उन्हीं की चुनौती देखते हुए, बाबा को अपने नाम देखते हुए, उनके लोग देखते हुए, उनके सम्मान के लिए, मैं जनता के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया, अपने प्रत्याशी शोभा रावत को मैदान में उतारा। मडना गांव से निकले नामांकन जुलूस में भारी संख्या में युवाओं का जमावड़ा रहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।